राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों के कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी द्वितीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक हमारी हिंदी भाग 3 के ध्वनि पाठ। प्रस्तुत है पाठ जन सहयोग और पुलिस सेवा। नई दिल्ली के विजय चौक पर कारों और बसों का आवागमन ठीक ढंग से चल रहा था, लेकिन भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। लोग आश्चर्यचकित होकर उस चुस्त दुरुस्त वर्दी वाले ट्रैफिक पुलिस के जवान की ओर देख रहे थे, जो मशीन की तरह अपने दोनों हाथ इधर उधर हिलाते हुए अपनी ड्यूटी अदा कर रहा था। लोग उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे और उसे एक टक देखे जा रहे थे। वे आपस में कह रहे थे कि यदि पुलिस के सभी जवान ऐसे ही हो जाएं, तो फिर कहना ही क्या। सचमुच पुलिस की कर्तव्य परायणता, कार्य तत्परता, उसका सहयोगी रवैया और उसकी चुस्त दुरुस्त वर्दी जनता का ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसकी वर्दी केवल उसका पहनावा ही नहीं होती, बल्कि वह उसके सम्मान, उसकी कर्तव्य परायणता और उसकी सेवा भावना का प्रतीक भी होती है। जिस प्रकार स्काउटों, एनसीसी के कैडेटों तथा सेना के जवानों को हम उनकी वर्दी से ही पहचानते हैं, उसी तरह पुलिस के जवानों को भी उनकी वर्दी से ही पहचाना जाता है। सिपाही अपनी वर्दी की इज्जत रखता है तो जनता उसे सम्मान देती है। अगर जनता पुलिस के लोगों की दिल से मदद करे तो वे और भी अधिक उत्साह से अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए लोग विजय चौक के सिपाही की प्रशंसा कर रहे थे। पुलिस का काम बड़ा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है। उसे समाज में कानून और व्यवस्था को
कायम रखना होता है। अपराधों की रोकथाम करनी होती है तथा उनकी छानबीन करनी पड़ती है। जन सुरक्षा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और यातायात की उचित व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस पर ही होती है। जनता सुख की नींद सोए, इसके लिए पुलिस के जवानों को न केवल रात भर जागते रहना पड़ता है, बल्कि चोर डाकुओं तथा असामाजिक तत्वों पर नजर भी रखनी पड़ती है। वह रात दिन लोगों की सेवा में लगी रहती है। लेकिन विडंबना यह है कि लोग पुलिस को हवा समझते हैं। समाज अपनी बेहतरी, खुशहाली और सुख शांति के लिए कुछ नियम बनाता है। जब समाज के सभी सदस्य इन नियमों को स्वीकार कर लेते हैं तो ये नियम ही कानून बन जाते हैं। इस भूमंडल पर स्थित भिन्न भिन्न देशों के समाजों के लोगों की अपने अपने जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टियां होती हैं। इसलिए प्रत्येक जन समाज ने अपने अपने देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग तरह के कानून बनाए हैं। बदलते हुए समय के अनुसार समाज के लोगों की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। यही कारण है कि हर समाज समय समय पर पहले से चले आ रहे कानूनों में संशोधन करता रहता है। उद्देश्य यही रहता है कि पूरा समाज सुखपूर्ण, खुशहाल और शांति से जीवन जी सके। ध्यान देने की बात है कि हम सुखी, खुश और शांत तभी रह सकते हैं जब हम दूसरों को सुख, खुशी और शांति दें। कानूनों को समाज में लागू करने के लिए एक प्रशासन व्यवस्था कायम की जाती है। इस व्यवस्था में जनता की भी भागीदारी होती है। यदि समाज में व्यवस्था न हो तो व्यस्त जीवन की रेलम-पेल में बेतहाशा भागते वाहन कब एक दूसरे से टकरा जाएं कोई कह नहीं सकता। ट्रैफिक पुलिस का यह कर्तव्य है
कि वह यातायात की इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखे। अगर इस व्यवस्था में कहीं कोई रुकावट आ जाए तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए जनता और पुलिस में जहां एक ओर परस्पर सहयोग की भावना रहती है, वहीं दूसरी ओर इसी बात को लेकर तनातनी भी रहती है। लोग रुकना नहीं चाहते और पुलिस उन्हें सुरक्षित देखना चाहती है। पहले ब्रिटिश शासन में पुलिस भय का प्रतीक थी। विदेशी शासक पुलिस के माध्यम से जनता को दबाते थे और अपना दबदबा बनाए रखते थे। लेकिन स्वाधीनता के बाद पुलिस की भूमिका बदल गई है। आज पुलिस भय और बल का नहीं बल्कि सेवा का प्रतीक है। आज पुलिस घर घर दरवाजे दरवाजे जाकर यह पूछने की कोशिश करती है, श्रीमान आपको कोई कष्ट तो नहीं है? क्या हम आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं? इसके अलावा पुलिस स्कूलों में जा जाकर छोटे छोटे बच्चों से दोस्ती करती है। छोटे बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, इसलिए पुलिस उनसे उनके पास पड़ोस में घट रही घटनाओं की सच्ची जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करती है। पुलिस हमारे प्रजातंत्र की सुरक्षा और संवर्धन की गारंटी है। हमारे ही भाई बहन पुलिस सेवा में जाकर हमारी सेवा करते हैं। पुलिस हमें सच्चाई, ईमानदारी तथा लगन और निष्ठा का आदर्श बताती है। हम सब के भीतर भी एक बेहतरीन पुलिस अफसर छिपा बैठा रहता है, जो हमें हमेशा अच्छे और बुरे के बारे में सचेत करता रहता है। इसलिए लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि अब भारत की पुलिस विदेशी सरकार का बेंत नहीं है, वह तो हमारे समाज की शांति और सुरक्षा की लाठी है। पुलिस का कार्यक्षेत्र छोटे से छोटे इलाके से शुरू होकर पुलिस चौकी तक, पुलिस चौकी से लेकर थाने तक और थाने से लेकर जिले तक होता है। इसी तरह हर जिले में ऊपर से नीचे तक पुलिस प्रशासन का कार्यतंत्र फैला रहता है।
दिल्ली पुलिस ने जन सहयोग प्राप्त करने के लिए आपसी रखवाली योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना को सफल बनाने के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवा ली जाती है। ये विशेष पुलिस अधिकारी अपने इलाके के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो जनता और पुलिस के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। पुलिस सेवा का आदर्श है सत्य, सेवा और सुरक्षा। इसी तरह जन सहयोग का नारा होना चाहिए विश्वास, सहयोग और प्रशंसा। तभी जन सहयोग पुलिस सेवा के लिए प्रेरक होगा और हम लोगों में से ही अच्छे पुलिसकर्मी उभर कर सामने आएंगे। पुलिस सेवा आज के युग में बड़ी चुनौतीपूर्ण सेवा है। पुलिस को अपराधियों से निपटना पड़ता है, उनकी खबर रखनी पड़ती है तथा उन पर अंकुश रखना पड़ता है। विभिन्न संप्रदायों के बीच सद्भावना बनी रहे, असामाजिक तत्व अराजकता न फैलाएं, यह देखना भी पुलिस का काम है। अपराधियों को पकड़कर न्याय के कटघरे में खड़ा कर देना और उन्हें न्यायालय से दंड दिलवाना उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए जन सहयोग की बहुत आवश्यकता है। जनता को चाहिए वह किसी का किसी भी तरह का जुल्म न सहे। इससे तो अपराधियों का दुस्साहस ही बढ़ता है। अगर जनता न्यायालय में अपराधियों के विरुद्ध गवाही देने के लिए आगे आएगी तो इससे पुलिस न केवल अपराधियों को अदालत से उचित दंड दिलवा सकेगी बल्कि दूसरे अपराधियों की हिम्मत भी तोड़ सकेगी। आज बहू बेटियों को दूसरे दर्जे का इंसान समझना, लड़कियों को परेशान करना, दहेज लेना देना, आतंकवादी दुर्घटनाएं, चोरी, लूटमार, डकैतियां, हत्याएं और न जाने कितने असामाजिक कार्य हो रहे हैं, इनके लिए जहां हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है, वहीं इन दुष्कर्मों को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की भी है। यदि हम पुलिस के कार्य की प्रशंसा करें तो न केवल उसको प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि संबंधित पुलिस अफसर को पुलिस विभाग द्वारा पुरस्कार और पदोन्नति भी प्रदान की जाएगी। जन जन में यह कहावत मशहूर है कि भगवान सबको पुलिस, कचहरी और अस्पताल से बचाए। यह सच भी है। पुलिस, अदालत और अस्पताल,
ये तीनों हमारी सामाजिक व्यवस्था के स्तंभ हैं। स्वस्थ व्यक्ति को कभी अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईमानदार आदमी अदालत के झमेले में नहीं पड़ना चाहता तथा सज्जनों को पुलिस परेशान नहीं करती। आज लोगों के मन में पुलिस के प्रति प्रेम और विश्वास की भावना पनप रही है। पुलिस के लोग भी हमारी ही तरह हार्ड मांस से बने हैं। उनका भी घर परिवार है, उनको भी सुख दुख का सामना करना पड़ता है। वे भी हमारे ही भाई बहन हैं। उनके कर्तव्य पालन में सेवा का भाव है। पुलिस सेवा और जन सहयोग एक दूसरे के पूरक हैं। पुलिस से आशा की जाती है कि वह वर्दी की शान रखे, कर्तव्य का मान रखे, जन भावना का ध्यान रखे तथा जनता जनार्दन का सम्मान रखे। पुलिस के सिपाही से लेकर पुलिस के बड़े से बड़े अफसर तक की सेवा की यह कड़ी निर्भयता और सुख शांति के लिए जनता के गले का हार बने। जनता का भी कर्तव्य है कि वह भ्रांतियों से ऊपर उठे, सच्चाई को समझे, पुलिस की परेशानी से सहानुभूति रखे, अफवाहों पर ध्यान न दे और अपने भीतर के बेहतरीन पुलिस को निखर कर सामने आने दे और जनसेवा के रूप में पुलिस का जुड़वा भाई बने। बिना जन सहयोग के पुलिस सेवा अपूर्ण है तथा बिना पुलिस के जन सहयोग पंगु। जन सहयोग और पुलिस सेवा। अभी आप सुन रहे थे हमारी हिंदी भाग तीन के ध्वनि पाठों की श्रृंखला में यह पाठ। विशेष सहयोग डॉक्टर सुरेश पांडे, परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, लेखक डॉक्टर आदित्य आर्य, स्वर सुचित्रा गुप्ता, ध्वनिंकन सतीश लाड़े एवं दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।